Hello students, in our previous video we discussed about how British East India Company in India and how he established his power in India. Now we will discuss about how trade led to the battle. कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया में आई थी वो एज ए ट्रेडर आई थी, बट वो ट्रेड को छोड़ के वो उन्होंने बैटल करना क्यों स्टार्ट कर दिया. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल ड्यू टू मिस यूज ऑफ फरमान. मीन्स कि इससे पहले की लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने मुगल एम्परर से फरमान लिया था. फरमान के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में विदाउट टैक्स पे किए वो बिजनेस कर सकती थी, बट जो उसके ऑफिसर थे वो उसका मिसयूज कर रहे थे. कि वो क्या करना स्टार्ट किया उन्होंने कि वो उन्होंने प्राइवेटली खुद का भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के नवाब थे और कंपनी के बीच इससे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. मुर्शद कुली खान बिकेम द नवाब फॉलोड बाई अलाउद्दीन खान देन सिराजुद्दौला. They refused to grant the company concession and demanding large tribute. Company had an understand demanding to be removed fortification. This create conflict. Means कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो नवाब थे वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए और वो क्या हो गए, खुद पावरफुल किंग बन गए. कहाँ के नवाब के, स्टार्टिंग में बंगाल के जो नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अलाउद्दीन खान बने और उनके बाद सिराजुद्दौला, और ये तीनों क्या थे, पावरफुल नवाब थे. इन्होंने कंपनी को जो कंसेशन दिया हुआ था उनकी ट्रेडिंग का वो उन्होंने क्या कर दिया, उनका कम कर दिया और उनसे ज़्यादा मनी की डिमांड वो करने लगे. तो कंपनी ने इसको रिफ्यूज कर दिया, बल्कि कमी जो कंपनी थी वो और उनसे लैंड की डिमांड कर रही थी ताकि वो अपना जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो उसको इनक्रीज करें. तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस में चेंज हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी. आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खान सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756. सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यू ऑन टाइम, बट दिस नेगोटिएशन वॉज फेल्ड. कि सिराजुद्दौला जो अलाउद्दीन खान के बाद बंगाल का नवाब बना, उन्होंने कंपनी से कहा कि वो उनके पॉलिटिकल जो भी अफेयर हैं उनमें दखलअंदाजी ना करें और जो वो फोर्टिफिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं उसको बंद करें और टाइमली रिवेन्यू पे करें, बट जो नवाब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उसको मानने से मना कर दिया. तो लास्ट में नवाब ने क्या किया, नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लॉक द वेयर हाउस एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स. देन ही मार्च टू कोलकाता टू कंट्रोल ओवर कंपनी फोर्ट. कंपनी ऑफिशियल सेंड ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी. सिराजुद्दौला लॉस द बैटल. द मेन रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब वाज द बिटेल ऑफ मीर जाफर. ही वॉज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला. ही बिट्रेड बाई नोट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल. ही वॉज लूड बाई क्लाइव बाई द प्रोमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब आफ्टर द डिफेट ऑफ सिराजुद्दौला. मीन्स कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ वो सिराजुद्दौला और इंग्लिश जो उस टाइम उनका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ. और इसको बैटल ऑफ प्लासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बैटल थी वो प्लासी नाम का एक प्लेस है नियर बाई कोलकाता, वहाँ पे ये हुई थी और इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया था. उसका मेन रीज़न ये था कि उसका एक कमांडर था मीर जाफर, उसने उसको धोखा दिया और बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया. और मीर जाफर ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उससे प्रोमिस किया था कि अगर वो सिराजुद्दौला को हराने में उसकी हेल्प करेगा तो सिराजुद्दौला की हार के बाद उसको मीर जाफर को ही नेक्स्ट वहाँ का नवाब बंगाल का बना देंगे. देन द बैटल ऑफ बक्सर. आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असर्टेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब. कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन
ट्रेड नॉट इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद पपेट नवाब बिकॉज दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स. व्हेन मीर जाफर प्रोटेक्टेड द कंपनी डिस्पोज एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस. कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ. उसका मेन रीजन ये था कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद मिर्जाफर को वहाँ का नया नवाब बना दिया. और कंपनी का मेन अभी इंटरेस्ट था वो ट्रेड में ही था. वो कोई जो जो बंगाल था वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो नहीं लेना चाहती थी. तो वो चाहती थी कि जो ये नवाब बने वो एज ए पपेट नवाब बने, यानी कि बना तो रहे नवाब बट वो जो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहे उनका कहने के अनुसार ही वो काम करे. बट जो भी नवाब बने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बना, तो उसने क्या किया, उसका भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट था तो उसने वो सारी बातें मानने से मना कर दिया जो कंपनी उससे कहती थी. तो लास्ट में क्या किया कि मीर जाफर को हटा के उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को नया नवाब बना दिया बंगाल का. व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इज टर्न वाज डिफेक्टेड इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. मीर जाफर वॉज रिइंस्टॉल्ड. He was forced to pay Rs. 5 lakh every month to company, but the company still wanted more money. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." In 1765, the Mughal Emperor appointed the company as the Diwan of the Bengal. After acquiring Diwani right, company used the vast revenue resources of Bengal. Means कि मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट की, उनकी बातें मानने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया उनके साथ बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई थी, और उसमें क्या हुआ मीर कासिम हार गया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को वापस से बंगाल का नवाब बना दिया. और पर उसको क्या करना पड़ता था, हर मंथ 5 लाख रुपए कंपनी को पे करने पड़ते थे. बट कंपनी की डिमांड थी कि और ज़्यादा उसको मनी मिले. तो लास्ट में कंपनी का क्या हुआ, मूड पूरी तरह चेंज हो गया. लास्ट में क्लाइव था, उसने क्या खुद को क्या डिक्लेयर किया कि अब हमें पपेट नवाब नहीं चाहिए, अब हम एज ए नवाब हम खुद ही क्या करेंगे, बंगाल को चलाएंगे. और इन 1765 में उन्होंने जो मुगल एम्परर थे उनसे क्या किया, बंगाल की दीवानी राइट ले लिया. मीन्स कि अब जो बंगाल है उसके मेन जो लीडर है पॉलिटिकल पावर है वो कौन होगा, ब्रिटिश होंगे. और दीवानी राइट मिलने के बाद कंपनी ने क्या किया कि जो बंगाल था उसके जो भी रिसोर्सेज थे उनको यूज करना उन्होंने पूरी तरह स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट इज कंपनी ऑफिशियल नवाब. नवाब वर्ड केम फ्रॉम नवाब. ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वेस्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसर एंड क्रिएटेड देयर फॉर्चून इन इंडिया. कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो बंगाल का मेन कंट्रोल था वो किन के पास आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया. तो जो भी कंपनी के जितने भी ऑफिसर थे वो क्या खुद को क्या समझने लगे, एज ए नवाब वो शो करने लगे. तो अब उनका मेन पर्पज यही था कि इंडिया से ज़्यादा वो मनी या वेल्थ को वो गेन करें. नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सेस इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. मैनी डाइड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर. नॉट ऑल वर करप्ट एंड मैनी कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. मीन्स कि जितने भी ऑफिसर थे सबकी अलग अलग च्वाइस थी. जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया में मनी गेन किया, और वो जब वापस इंडिया से ब्रिटेन गए तो उनके पास काफ़ी धन दौलत हो गई थी. बट सभी जितने भी कंपनी सर्वेंट थे वो मनी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए. इसका रीज़न ये था कि जब वो लोग ब्रिटेन से इंडिया आते थे तो उनको 2 या 3 मंथ लग जाते थे, क्योंकि पूरा अफ्रीका को, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था केप ऑफ गुड होप को वो क्रॉस करके आते थे. तो रास्ते में
कई बार जैसे उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई डिजीज हो जाती थी या दूसरी कंपनी थी उनके साथ, उनको वार करना पड़ता था। तो अर्ली वो क्या करते थे, अर्ली एज में वो ड्यू टू डिजीज और वार के से उनकी डेथ हो जाती थी। तो वो अधिकतर सभी लोग क्या हो गए, मनी गेन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। और कुछ ऐसे जो ऑफिसर थे वो क्या थे, हम्बल बैकग्राउंड थे, मीनिंग कि उनका जो मेन मोटिव था कि वो एज ए वो सर्वेंट आए हैं, तो वो अपना जो कंपनी है उसी के लिए वर्क करेंगे, कि वो करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। यानी कि वो उनको कोई एक्स्ट्रा मनी गेन करने का कोई शौक नहीं था, कि जितना उनको मिल रहा था वो ही उनको चाहिए था। मीन्स कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, मूड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज, कि अब उनका मेन टारगेट क्या हो गया। पहले तो वो क्या आए थे, स्टार्टिंग में एज ए ट्रेडर आए थे, कि यहाँ से जो भी वैल्यूएबल गुड्स हैं उनको लेके वो इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ पे सेल करेंगे। अब लास्ट में उनको ये रियलाइज हो गया कि अब बंगाल पूरा उनके अंडर आ गया है, तो अब उनका मेन टारगेट ये था कि धीरे धीरे करके वो इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, उनको अपने अंडर लेके आए। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about how British companies rule expands.